हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और गार्डनिंग का मज़ा ले रहे होंगे। कल मैं नर्सरी गई थी तो मैं एक सकुलेंट प्लांट ले आई हूँ। और इसको मैं कैसे रिपोर्ट करती हूँ और इसकी मैं किस तरह से सॉइल बनाती हूँ आपसे शेयर कर रही हूँ। और आप देखिएगा कि मैं अपने सकुलेंट को किस तरह से रिपोर्ट करती हूँ और इसमें कौन कौन सी मीडिया मिलाती हूँ। और इसको मीडिया, इसको ना हमेशा बेल ड्रेन सॉइल में लगाना पड़ता है सकुलेंट को, क्योंकि इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। और मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको किस तरह से रिपोर्ट करूंगी और कैसे लगाऊंगी। आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या मिलाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सब कुछ एक साथ मिला रख लिया है। और मैं एक एक करके बताऊंगी आपको कि मैंने सबसे पहले क्या है। ये है गार्डन सॉइल, ये मिट्टी है, नॉर्मल मिट्टी है। ये एक कटोरी के मेजर के हिसाब से रखा हुआ है, जिससे आपको पता चले कि किस रेशियो में मिट्टी बनानी पड़ती है। तो ये है एक कटोरी बालू और एक कटोरी ये मैंने रेत ली है, बालू कहते हैं इसको। और हाँ, ये मिट्टी है और ये बालू है, ठीक है। और ये ईंट के छोटे छोटे से ग्रेवल्स हैं, टुकड़े कर लिए मैंने इनको। और ये ईंट के टुकड़े हैं, एक कटोरी थोड़े से कम है। और ये है एक कटोरी कोकोपीट, ये बुरादा होता है नारियल का, इसको डालने से मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है। और ये नीम केक है, इसको डालने से मिट्टी में एंटी फंगस पाउडर, मतलब कीड़े कीड़े नहीं लगते हैं। और ये है बोन मील, ये सकुलेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एक खाद का काम करता है, इसमें कैल्शियम होता है। ये 2 चम्मच इसको मिलाया है। और ये कुछ 10-15 दाने चारकोल, इसको कोयला होता है जो लकड़ी का, जलने के बाद जो लकड़ी के बाद निकलता है वो कोयला है। और ये है फंजीसाइड, आप कोई भी फंगिसाइड लीजिए, ये तो श्योर का है। एंटी फंगस पाउडर होना चाहिए जिससे मिट्टी में कीटाणु नहीं लगते हैं। इस तरह ये मैंने, ये मेरा सब है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको किस तरह अपने सकुलेंट को रिपोर्ट करूंगी। और मैं ये जो एक कटोरा है इसमें मैं सब कुछ डाल दूंगी, जैसे आपको बताया, ये मिट्टी और ये बालू, इसमें कुछ टुकड़े ये ईंट के भी पड़े हैं, तो इस थोड़ा इसमें ईंट के टुकड़े, और ये कोकोपीट, और ये नीम केक, इससे कीटाणु नहीं लगते हैं और जड़ें सड़ती नहीं हैं। ये बोन मील और ये चारकोल के टुकड़े, और इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के हिसाब से, अंदाज से 1 चम्मच एंटी फंगस पाउडर, इनको डाल के इस तरह हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और ये सकुलेंट के लिए बेस्ट सॉइल है। इसलिए इसमें मिट्टी नहीं डाली जाती है ज़्यादा, क्योंकि मिट्टी पानी को पकड़ के रखती है, इसकी वजह से ये सड़ने का डर रहता है। ये सकुलेंट में ऑलरेडी पानी होता है, इसलिए वो उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये बेल ड्रेन सॉइल बन गई है, इसमें पानी डालेंगे और तुरंत निकल जाएगा। इस तरह ये मेरी तैयार हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको किस में लगाऊंगी। मैंने इसके लिए ये पॉट सिलेक्ट किए हैं अपने सकुलेंट को लगाने के लिए। ये देखिए,
इसमें मैंने होल कर रखा है, और होल करने के बाद अब इसमें मैं थोड़े से ये ग्रेबल्स डाल दूंगी नीचे, जिससे कि हमारी मिट्टी निकले ना, थोड़ा सा डाल देंगे इस तरह। और फिर इसमें हम अपनी मिट्टी को फिल कर देंगे। इस तरह पूरी मिट्टी भर दी, और मैं अपना ये जो सकुलेंट हैं, ये जो सकुलेंट हैं, इसलिए मैंने ये तीन रखे हैं, इसमें चार पौधे हैं, ये चार हैं, चार लगे थे, और मैं ये 50 रुपये में लेके आई थी, और मुझे अच्छा लगा कि मेरे चार प्लांट तैयार हो जाएंगे। और अब मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगाते हैं। मैं निकाल लेती हूँ, और देखिए मैंने इनको निकाल लिया है, और अब हम इसको अपने प्लांट में लगा देंगे। ये है और ये मेरा वो है, तो मैं इसको इस तरह रख दूँगी और थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँगी। और इनको बहुत ही धीरे से लगाना पड़ता है, वरना इनकी पत्तियाँ जल्दी से टूटने का डर रहता है। इसमें थोड़ा सा इस तरह करेंगे और ये रख देंगे। मैंने इसकी ज़्यादा मिट्टी नहीं हटाई है, वजह ये है कि फिर ये पता नहीं लगे ही नहीं लगे, मतलब पूरी तरह से इनकी मिट्टी को अलग नहीं करती हूँ। और मैं एक हाथ से नहीं लगा पा रही हूँ, मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि ये कैसे लग रहे हैं। और देखिए ये मैंने लगा लिए हैं, और ये इस तरह से मेरे लग रहे हैं। अब इनको लगाने के बाद आप इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, और मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। एक बार पूरा पानी डाल दीजिए कि नीचे से ये पानी स्ट्रेन होने लगे, निकल जाए पानी। देखिए ये पानी यहाँ से मैंने डाल दिया है, और ये पानी एक इसमें पानी बहुत ही कम डाला करिए। जब इसकी मिट्टी आपको लगे कि सूखी है, तभी इसमें पानी डाला कीजिए। और ये पत्तियों से भी प्रोपेगेट हो जाते हैं। अगर ये देखिए मेरी ये पत्तियाँ निकल गई हैं, अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी, ऐसे इस तरह रखने से ये अपनी जड़ें फोड़ लेते हैं, और ये भी एक नया पौधा बनके तैयार हो जाता है। इसलिए मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, इनको यहीं इसी में रख देती हूँ, और एक पौधा तैयार हो जाएगा। आपको मेरे सकुलेंट रिपोर्टिंग कैसी लगी? आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बाय बाय। गुड बाय।